हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली के सोजत से बड़ी खबर, कलेक्टर ने लिया अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा। जिले में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर अंशदीप शुक्रवार दोपहर सोजत के जैन आचार्य रघुनाथ राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ वार्डों का निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से कोरोना मरीजों की संख्या एवं उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रशासन से कहा कि जहां तक संभव हो परिसर में ही कुछ बेड अलग से लगाएं, ताकि मरीजों को राहत मिल सके। इस दौरान दो मरीज कलेक्टर से रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने की मांग की, तो उन्होंने कहा कि देश भर में इस इंजेक्शन की कमी है, जैसे ही उपलब्ध हो जाएंगे हम तुरंत अस्पताल प्रशासन को उपलब्ध करवा देंगे। वहीं निरीक्षण के दौरान अस्पताल की समस्याओं को लेकर पार्षद राकेश पवार व पूर्व पार्षद मनीष सोलंकी ने कलेक्टर अंशदीप से अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा करने, ऑक्सीजन प्लांट को चालू करने, वेंटिलेटर को चालू करने, रेमडेसिविर इंजेक्शन की अधिक उपलब्धता हेतु निवेदन किया। कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि बहुत जल्द स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा व ऑक्सीजन प्लांट को अति शीघ्र शुरू कराया जाएगा। इंजेक्शन व ऑक्सीजन की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए जाने पर उपलब्ध होगी। इस दौरान उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी, पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़, PMO अनसुया हर्ष, डॉक्टर चेना राम, राजेश गुप्ता, पार्षद तरुण सोलंकी आदि उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।